बस मेरे ठाकुर जी तो बड़े अद्भुत हैं, दोनों की स्तुति सुनी ना, रूपम यत्तत् प्रामुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम तेरी हम सत्वम साक्षात विश्व अध्यात्म दीप। देव की वसुदेव की स्तुति सुनकर ना भगवान उनसे बोले हैं, ठाकुर जी वसुदेव जी को कहते हैं कि महाराज यदि आपको कंस से थोड़ा भी डर हो तो आप हमें गोकुल छोड़ो नंद बाबा के यहाँ, और वहां जो कन्या प्रकट हो गई उस कन्या को वापस मथुरा ले आओ। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा ये सुनकर कि मेरे बांके बिहारी प्रकट होते ही अपने मैया और बाबा से बोलने भी लगे, भागवत में बोले हैं, अवतार लेते ही बोलना शुरू किया। आप सोचो कहीं आज हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होते ही माँ बाप से बोलने लग जाए, फिर माँ बाप हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे, बच्चा हुआ है या भूत हुआ है। हालांकि मैंने भी कहीं सुना था एक बच्चा ना अभी अभी पैदा हुआ हॉस्पिटल में और पैदा होते ही बाप को कहता है अपना सेल फोन देना जरा, पैदा होते ही पिता को बोला अपना मोबाइल दो। तो बाप ने कहा कि तू पागल है कि अभी अभी जन्म लेके आया है, पैदा होते ही मोबाइल चाहिए, क्या करेगा तू तो किसी को जानता भी नहीं, फोन किसको करेगा। तो बोले यहां नहीं, बोले ऊपर मिस कॉल देनी है कि ठीक से पहुंच गया हूं। प्रेम से कहो श्री राम। तो भगवान ने भी आगे का रास्ता बताया और देवकी की गोद में पहले आए थे चतुर्भुज रूप में, बाद में चतुर्भुज न होकर दो भुजा वाले छोटे से कन्हैया बन के नागा बन के देवकी की गोदी में किलकारी भरते हुए विराजमान हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। मां ने लाड़ लड़ाया और फिर वसुदेव जी सिर पर रख के आए लेकर सीधे चल दिए हैं गोकुल की ओर। हमारे बीच में भी ये सुंदर झांकी प्रभु की आ रही है, आप लोग भी दर्शन करिए बड़े भाव से। वसुदेव जी लेकर भगवान को आ रहे हैं। कल की सूचना मैं आप सभी को दे चुका हूँ, अब हम लोग केवल मंगोत्सव मनाएंगे, खूब झूमेंगे, बधाइयाँ भी मैं यहाँ से थोड़ी लुटाऊंगा और आप लोग द्वार से भी प्रसाद लेकर जाएंगे, पर पहले झांकी का आनंद लीजिए बड़े प्रेम से गाते हुए मेरे साथ कि भावतम